हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज ये सीज़न एंड होने वाला है, ये 3 मिनट बाकी है अभी। और रिवार्ड में अगर देखें तो रिवार्ड में रून ऑफ डार्क एलिक्सर अभी रिडीम नहीं की है हमने, क्योंकि अभी एक है हमारे पास, तो पहले उसको यूज करना पड़ेगा, तब हम इसको क्लेम करेंगे। और स्टोरेज में भी काफ़ी डार्क्स है हमारे पास, तो पहले ये जितने हम यूज कर सकते हैं इतने यूज कर लेते हैं पहले। बिल्डर तो कोई फ्री नहीं है अभी, 2 दिन से पहले नहीं होगा, 2 दिन 5 घंटे का टाइम है। और ये बैट स्पेल भी अभी लेवल 3 के लिए अपग्रेडिंग पे है, तो इसको ही हम अपग्रेड कर लेते हैं। और इसके बाद कोई नया ट्रूप्स लगा देंगे जिससे कि डार्क का यूज किया जा सके। और यहाँ पे होग राइडर सबसे ज़्यादा ले रहा है, तो होग राइडर को अपग्रेडिंग पर लगाएंगे। तो पहले बैट स्पेल को अपग्रेड कर लेते हैं। पे अभी डार्क में हुक राइडर ये भी सबसे एक्सपेंसिव है, तो इसको ये अपग्रेडिंग पे लगा देते हैं। और अभी भी स्टोरेज में 40,000 से ऊपर डार्क्स बचे हुए हैं, इसको यूज कर लेते हैं पहले जो हमारे पास थे। और रिवार्ड में से इसको अब रिडीम कर लेते हैं। तो अभी रिवार्ड लिस्ट सब रिडीम कर लिए हमने, और सीजन एंड होने वाला है, तो यहाँ पे जो सीजन बैंक है वो भी हमारा फुल है अभी। और रिसर्च बूस्ट जो 30% ऑफ है, तो इसका भी फ़ायदा हो गया है, ओवरराइडर हमने लगा दिया है तो अपग्रेडिंग पर। तो देखेंगे यहाँ पे अगले सीजन में किस हीरो की स्किन आती है। और लीक्स तो निकल के ये आ रही है कि आइस क्वीन आएगी, देखते हैं बाकी क्या होगा। और यहाँ पे डार्क अभी फुल हो चुके हैं, हमने ये रून ऑफ डार्क एलिक्सर यूज की थी। और सीजन बैंक में भी हमें काफ़ी लूट मिलेगी, तो स्टोरेज तो तीनों फुल हो जाएंगी, इसकी तो कोई हमको टेंशन ही नहीं है। ये देखिए फुल हो गई है। और यहाँ पर कोई भी बिल्डर हमारा अभी फ्री नहीं है, तो हम इनको यूज भी नहीं कर सकते, और अटैक करने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, बस हमें सिर्फ ट्रॉफी पुश होगी, बाकी तो रिवार्ड कुछ मिलने का नहीं। और अभी यहाँ से लेफ्ट साइड में ये नीचे कॉर्नर से ये गोल्ड पास का भी ये आइकन जा चुका है अभी। नए सीजन के साथ, और उसमें देखेंगे कि किस हीरो की स्किन हमको मिलेगी, और क्या क्या अब की बार रिवार्ड रहेंगे, और जो भी बूस्ट वगैरह जो भी मिलेगा, बाकी बुक्स जो भी कुछ मिलेगा देखेंगे। बुक्स मिलते हैं और काफ़ी चीज़ मिलती है वैसे। और दिसंबर महीने में ये क्रिसमस पे विंटर अपडेट भी आएगा एक, वो शायद टाउन हॉल 13 के लिए आए, तो देखेंगे वो क्या होता है। और इस सीज़न में भी एक अपडेट आ सकता है। और ये नवंबर सीज़न आ चुका है, जैसे कि मैं अभी बात कर रहा था कि आइस क्वीन के लीक आए थे, क्लैश ऑन टाइटन की वीडियो देखी थी मैंने आज, तो ये वही है। तो आइस क्वीन ये काफ़ी अच्छी लग रही है, और जो ये बाकी आप साइड में देख रहे हैं ये हमको रिवार्ड मिलेंगे। बुक ऑफ स्पेल है, बुक ऑफ बिल्डिंग है, और अब की बार काफ़ी, शायद अब की बार ज़्यादा है, तो देखेंगे। और यहाँ पे बुक ऑफ बिल्डिंग है, बुक ऑफ स्पेल भी है,
रून ऑफ गोल्ड भी मिला है अब की बार, बुक ऑफ फाइटिंग मिली है यहाँ पे, और अब की बार ट्रेनिंग बूस्ट को 30% दिया है यहाँ पे। हमारी लैब के लिए बूस्ट मिला था पिछली बार 30%, लेकिन अब की बार ट्रेनिंग बूस्ट दिया है और ये काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे हीरो स्किन मिलेगी यहाँ पे, और हीरो स्किन यहाँ पे एक क्वीन की मिलेगी, आइस क्वीन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेली चैलेंज में ये फोटो क्वीन की, तो ये काफ़ी अच्छी लग रही है। बाकी इसकी मूव जो इफ़ेक्ट हमको मिलेंगे वो हम इसको रिडीम करने के बाद देखेंगे।